टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा अपने बोल्ड अदाओं और शानदार ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों निया अपने म्यूजिक वीडियो फूकले की वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो में निया का बोल्ड अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। निया अपने बिंदास अंदाज और डांस से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। लेकिन एक्ट्रेस निया के लिए फूकले गाने पर डांस करना आसान नहीं था। निया ने खुलासा किया कि वह इस गाने को लेकर बेहद नर्वस थी। निया ने बॉलीवुड की डांसिंग दीवा कैटरीना कैफ, मलाइका अरोड़ा और बिपाशा बसु से इंस्पिरेशन लिया है। निया शर्मा ने पहले भी डांस वीडियो किए हैं, लेकिन फूकले गाना कुछ हटकर है। इससे पहले निया ने कभी ऐसे गाने पर डांस नहीं किया था। ये गाना काफी कुछ बॉलीवुड के आइटम नंबर की तरह है। हाल ही में बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में निया ने बताया कि जब उन्हें ये म्यूजिक वीडियो ऑफर किया गया तो वह इसीलिए इसे करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मलाइका अरोड़ा कैटरीना कैफ के डांस को देखते हुए बड़ी हुई हैं और उनकी तरह स्टेप्स करना चाहती थी। निया ने कहा कि छैया छैया जैसा सुपरहिट गाना बचपन से देखा है। वही कैटरीना कैफ ने शीला की जवानी जैसे गानों पर किलिंग परफॉर्मेंस दिया है। डांस देखकर ऐसा लगता है कि उनके अंदर आग है। ऐसे में अगर मुझे ऐसा कोई गाना करने को मिलता है तो मैं क्यों नहीं करना चाहूंगी। निया शर्मा का कहना है कि मैंने मलाइका और बिपाशा के आइटम नंबर से प्रेरणा ली, लेकिन मुझे लगता है कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने काफी होमवर्क किया। मलाइका अरोड़ा की मुन्नी बदनाम हुई और बिपाशा बसु की बीड़ी जलेले जिगर से पिया देखा और सोचा कि क्या मैं भी कभी ऑन स्क्रीन ऐसा कर पाऊंगी। इनका डांस देखना एक मैजिक जैसा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।